पंचायत रसिया में सम्मिलित ग्राम प्लासी है। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर, जनपद मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर है। ग्राम की कुल आबादी 1825 है, कुल परिवार 303। ग्राम में कुल धार्मिक स्थल 3 है। यहाँ की कुल आंगनबाड़ी संख्या 2 और प्राथमिक शाला 2, माध्यमिक शाला 2। गांव की कुल भूमि जो है 909 हेक्टेयर है। यहाँ की मुख्य फसलें सोयाबीन, कपास और मिर्ची है। और महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में लगभग 48 लाख के करीब काम हुआ है यहाँ पर, जिसमें ग्रेवल मार्ग 4, कपिलधारा 27 और सीसी रोड 4 और इंदिरा आवास में लगभग 20 हितग्राहियों को मिली है 3 वर्षों में। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 27 प्रकरण स्वीकृत हैं और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यहाँ मध्यान्ह भोजन वितरित किया जाता है। पेंशन हितग्राही 62 है और मुख्यमंत्री मजदूर पंजीयन योजना के अंतर्गत 55 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है। सन निर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत 48 हितग्राहियों को लाभ दिया गया है। ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत ग्राम में 3 टंकियाँ निर्मित की गई है, जिसके माध्यम से ग्रामीण जन पानी पेयजल ले जाते हैं। शासकीय बोर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध किया जाता है। ग्राम पंचायत में कुल 16 सदस्य हैं पंचों सहित। यहाँ ग्राम पंचायत की समस्त बॉडी शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान देती है और समय समय पर शिक्षा का, मध्यान्ह भोजन का, आंगनबाड़ी का निरीक्षण करके उनको उचित मार्गदर्शन देती है तथा समय समय पर शिक्षकों की उपस्थिति भी दर्ज कराती है। और समय समय पर ग्राम सभा का आयोजन या ग्राम पंचायत की बैठक ली जाती है और शासन की समस्त जन कल्याणकारी योजनाएं 32 विभागीय योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिया जाता है। मेरा नाम अनीता राठौर, ग्राम रोजगार सहायक रोशिया, ग्राम पंचायत रोशिया से हूँ, जनपद पंचायत छिगांव। मेरे द्वारा मजदूरों से पंजीयन किया जाता है उनका वर्क के लिए और उन्हें समय समय पर काम दिलाया जाता है और जो भी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्हें समय पर भुगतान कराया जाता है और जो रजिस्टर वगैरह मेंटेन करने का वर्क रहता है और उसके अलावा MIS वगैरह जो कुछ भी रहता है वो सब मेरे द्वारा किया करवाया जाता है। या योजना के अंतर्गत जो भी कार्य करवाए जाते हैं वो सब मेरे द्वारा करवाए जाते हैं। कार्यों में मेरा सहयोग सचिव, सरपंच महोदय, इन लोगों के द्वारा, पंचों के द्वारा मेरा सहयोग किया जाता है। आशा मिश्रा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रोशिया। सुबह सहायिका का नाम है रेशम भाई। सुबह 9 बजे हम आंगनबाड़ी खोलते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, हाथ में बुलाते हैं, उनका साफ सफाई करते हैं, आंगनबाड़ी भी करवाते हैं सहायिका से। फिर बच्चे बुला करके उनको नाश्ता देते हैं, बच्चों को नाश्ता खिलाते हैं, फिर प्रार्थना वगैरह करते हैं और फिर बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है और स्वास्थ्य की भी उनको जानकारी बच्चों को दी जाती है। साफ सफाई के बारे में समझाया जाता है। फिर 12:30 बजे है तो भोजन आता है, बच्चों को भोजन करवाते हैं, हाथ धुलाते हैं, धुलाते हैं सब। फिर 1 बजे तक बच्चों को छोड़ते हैं, सहायिका घर छोड़ने जाती है। उसके बाद में हम 1 बजे के बाद में फिर गृह भेंट करते हैं गर्भवती धात्री माताओं को, कुपोषित बच्चों को गृह भेंट देते हैं और उनको तो सब समझाइश देते हैं, साग सब्जी खाओ, और बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है और किशोरी बालिकाओं को भी समझाइश दी जाती है। प्रति मंगल माह के 3rd मंगलवार को टीकाकरण होता है, इन्हें हम आते हैं। मैं रहने वाला रोशिया का हूँ, मुझे विकलांग पेंशन रोशिया से मिलती है। मारा नाम अनार भाई छे, विधवा पेंशन मेरे को मिलती है रोशिया से, ग्राम पंचायत से। हाँ और बोलो। हाँ मैं रोशिया में रहती हूँ, पार्वती मेरा नाम है। मेरे को आवाज इंदिरा आवास मिली है, मैं रोशिया में रहती हूँ। सोनिया है, पंचायत से कपिलधारा कुआ मिला है मेरे को, पंचायत को मैं धन्यवाद करता हूँ। रोशिया रहता हूँ। रोशिया रहता हूँ।